क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं वीएस कोड के ऊपर और आज हम जानेंगे टपल के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वैल्यू एज इट इज। वही इसकी डेफिनेशन है जो कि लिस्ट में थी। ये बिल्कुल लिस्ट से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें सिर्फ दो चीजों का फर्क है। क्या है? एक सिंटेक्स का फर्क है और दूसरा क्या फर्क है? टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर एंड अनचेंजेबल, मतलब इसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। बिल मुकाबिल लिस्ट के जो आइटम या एलिमेंट है उनको चेंज किया जा सकता है या लिस्ट को चेंज किया जा सकता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम आते हैं अपने कोड के ऊपर और एक पहले सिंपल टपल बनाते हैं। आप वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैं वेरिएबल बना रहा हूं ए, और इसका सिंटेक्स क्या है? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर टपल को डिफाइन किया जाता है और यहां पे मैं लिखता हूं ए, यहां पे मैं लिखता हूं बी, यहां पे लिखता हूं मैं सी, ठीक है। और यहां पे फिर हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या हमारा टपल बन गया। मैं अपने कोड को चलाता हूं। ये देखिए, हमें हमारा टपल बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही मिल गया जिस तरह से लिस्ट मिलती है, लेकिन फर्क क्या है? वो जो है स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, ये जो है राउंड ब्रैकेट में होता है। बाकी जो है इसमें बिल्कुल चीजें सेम ही है। अगर हम यहां पर आ जाएं और एक मल्टीपल वैल्यू का टपल बनाएं जिसमें हम कहते हैं ए इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं ए, यहां पे लिखता हूं मैं, बल्कि ए की जगह मैं लिखता हूं यहां पे बिलाल, और यहां पे मैं लिखता हूं 40, यहां पे लिखता हूं 2। ये अब मल्टीपल वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके अंदर भी हम लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं और टपल भी डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आइटम या मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यही हमने जाना था लिस्ट में। सेम इसी की डेफिनेशन भी वही है, फर्क बस क्या है? सिंटेक्स का और अनचेंजेबल, वो भी अभी हम जानेंगे। अच्छा, तो इसको हम जरा प्रिंट करवा के देख लेते हैं। देखें, इसके अंदर मल्टीपल डेटा हमने स्टोर किया, हमें उसका रिजल्ट मिल गया। चलें, ये बात भी समझ में आ गई। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और हम एक और चीज देखते हैं इसके अंदर। सॉरी, यहां पे हटाते हैं, यहां पर आते हैं। इसको मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने कहा था इसका भी बिल्कुल एग्जैक्ट लिस्ट की तरह ही है। तो हम वो तमाम फंक्शन इसके ऊपर लगा के देखते हैं जो हमने लिस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे या ट्राई किए थे। अब मुझे एक्सेस करना है बी वैल्यू, ठीक है। बी वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा? 0, 1, 2। तो हम यहां पर लिखते हैं क्या? 0 और 1, ठीक है। 1 में हमें कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना जरूर। मैं यहां पे करता हूं एंटर, तो देखिए मुझे वैल्यू मिल गई बी, क्लियर हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं -1, -2 और -3। तो इसको मैं करता हूं -2, -2, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मैंने एक और कॉपी बना ली। इसको अगर हम चलाएं तो दोनों में हमें बी वैल्यू मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी हमें क्या मिलती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग भी मिलती है, माइनस थ्री, और यहां पे आ गया -3 के बाद -2, -1, और इसके अगेंस्ट में जो यहां पर होती है इंडेक्सिंग वो क्या होती है? 0। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है पॉजिटिव में, 1 और 2, ठीक है। यही चीज हमने यहां पे एक्सपेरिमेंट की, हमें अपना रिजल्ट मिल गया। और इसी तरह से इसको मैं कंट्रोल ऑल करता हूं और यहां पे एक और कोड बनाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें इतना वो कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। टपल और लिस्ट में आगे जाके इसके जो यूज केस है उसमें जरा सा फर्क होता है, तो इसलिए हम लिस्ट से जरा सा इसको मैच करके कंपेयर करके चल रहे हैं कि हमें वही चीज मिल रही है। और अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, इस लाइन को हम हटा देते हैं। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ मुझे चाहिए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बल्कि एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं लगाता हूं ये और लगाते हैं 2 और चलाएं, जरा चलाकर देखते हैं क्या आता है। देखा, इसके ऊपर भी रेंज है, इसके ऊपर भी एग्जैक्ट वही रेंज है। अगर मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पे करते हैं डी, यहां पे करते हैं ई, यहां पे कर देते हैं एफ,
यहां पे कर देते हैं F, और यहां पे वही अब काम करेंगे हम कि भाई हमें जीरो इंडेक्स से चाहिए और कितना है 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5, ठीक है 5 तक चाहिए, और इसको जो स्टेप मतलब इसको जंप करे 2, एक छोड़ के दूसरा, और देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्लाइसिंग वाला मेथड काम कर रहा है इसके ऊपर उसी तरह जिस तरह लिस्ट के ऊपर काम कर रहा था। अभी तक यही प्रूफ हो रहा है कि एग्जैक्ट ये लिस्ट की तरह ही है, फिलहाल सिंटेक्स का फर्क है। दोबारा कॉपी करते हैं, आ जाते हैं अपने न्यू कोड के ऊपर, इसको हटाते हैं, और अब मैं जरा इसको भी हटा देता हूं तो साफ सुथरा कर लेना समझने के लिए, और यहां पे इसको मिटा देते हैं। अब मैं करता हूं टाइप, इसकी टाइप क्या है भाई, हमें टाइप भी तो पता चले इसकी टाइप क्या है, और अपने कोड को चलाएं तो देखें ये कह रहा है ये टपल है, ठीक है ये टपल है, और यहां पे अगर हम करें ये समझने के लिए, वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं इसे ऐसे ही समझने के लिए कर रहा हूं ताकि हमें एग्जैक्ट पता हो, ठीक है। मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक लिस्ट बनाई है, एक टपल बनाया है, देखो क्या आया, एक टपल है एक लिस्ट है, ओके ये बात भी समझ में आ गई, ओके भाई चलते हैं आगे। अब इसके अंदर इस चीज का जरा सा हमेशा ख्याल रखना, मैं कहता हूं ए, और ए के अंदर एक ही एलिमेंट हम रखते हैं, एक ही एलिमेंट रख दिया, ठीक है, और यहां पे लगा दिया हमने क्या कॉमा, इसकी कॉपी बनाई सॉरी, और यहां पे हम करते हैं क्या, यहां पे हम करते हैं ए, और इसको मिटा देता हूं बी। देखो देखने में दोनों टपल है, ठीक है देखने में दोनों ही टपल है, लेकिन मैं क्या लिखता हूं, इट्स अ टपल, इट्स नॉट टपल, ठीक है, ये जो है बी टपल नहीं है और ए जो है टपल है, क्यों इसको जरा सा ट्राई करते हैं। हम कहते हैं भाई प्रिंट करो टाइप किसकी, ए की और बी की, क्लियर है, हमने दोनों की टाइप को जरा सा प्रिंट करवाया है और देखना चाहते हैं कि भाई ये जो बी है ये टपल क्यों नहीं और ए जो है ये टपल क्यों है। ये देखो ए जो है टपल है, बी जो है एक स्ट्रिंग है, इसमें हमें क्या चीज समझ में आई कि जब भी टपल के अंदर सिंगल आइटम होता है तो हमें उसके लास्ट के अंदर कॉमा लगाना जरूरी है, अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे लाइक इसको मैं हटा दूं और प्रिंट करवाऊं तो ये दोनों स्ट्रिंग काउंट होंगे, अगर इसको हमें टपल ही रखना है तो हमें कॉमा लगाना जरूरी है कब, जब सिंगल आइटम होगा, क्लियर हो गई ये भी बात, ओके चलें एक और काम कर लेते हैं। अब हम टपल बनाते हैं कंस्ट्रक्टर के जरिए जिस तरह हमने लिस्ट में बनाया था, मैं कहता हूं ए और यहां पे क्या होगा टपल, टपल का एक कीवर्ड है इसको हम या कीवर्ड कह दें या मेथड कह दें, इसके अंदर क्या करेंगे हम डबल राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है डबल राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे हम एग्जैक्ट ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है सी, ठीक है ये भी एक टपल बन गया, लेकिन ये किस तरह का टपल है, ये जो टपल है ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अब हमने टपल को कंस्ट्रक्टर के मेथड के थ्रू बनाया है, क्लियर है, तो इसको अगर हम प्रिंट करवाएं हमें रिजल्ट देखते हैं वही मिलता है या नहीं, मैं कहता हूं ए और मैं इसे प्रिंट करवाऊं, देखें मुझे इसका रिजल्ट मिल गया, और इसको मैं एक कॉपी बनाते हैं, मैं लिखता हूं टाइप टाइप और इसको राउंड ब्रैकेट में लगा देते हैं और इंटर करते हैं तो देखें ये टपल ही कहलाएगा। अगर एक काम करते हैं मैं इसको दो राउंड ब्रैकेट से हटा देता हूं, दो राउंड ब्रैकेट में फिलहाल रहने देते हैं, हम इसका एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके अंदर जो है हम ये काम करते हैं एक ही वैल्यू पास करते हैं और यहां पर भी हम सॉरी ए और ऊपर कॉमा लगा देते हैं ताकि हमारा कोड जो है उससे मैच हो जाए जो ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है यहां पर कॉमा लगा दिया और यहां पर बी लिख दिया, ओके और यहां पे हमने इसकी एक कॉपी बनाई और बी लिख दिया, ठीक है कुछ नहीं किया ज्यादा परेशान ना हो। देखे हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू टपल बनाया और इसे भी कॉमा लगाया एक में और एक में कॉमा नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसमें हमने एक ही आइटम पास किया है, हम देखना चाहते हैं कि क्या इसके भी वही रिजल्ट है वही रूल है, मैंने इसको एंटर किया देखो इसमें वो रूल नहीं है,
इसमें वो रूल नहीं है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम बनाते हैं तो वो दो सॉरी इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम कोई टपल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है अगर उसके अंदर एक ही आइटम हो। क्लियर हो गया? इसको मैं कॉपी करता हूं, अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल छोटी और बारीकी वाली चीजें हैं जिसको समझना या हमारे इल्म में रहना जरूरी है, क्योंकि कभी बहुत रेयर केस होते हैं जब इस तरह की चीजें आती हैं तो हम कंफ्यूज ना हो, हमें मालूम हो कि ये चीजें किस तरह से वर्क कर रही हैं। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हम एक को हटा देते हैं यहां से, मल्टी ब्रैकेट से हटा देते हैं और जरा सा चेक करते हैं कि क्या बन रहा है इसको, बल्कि यूं कर देते हैं कि इसको भी ए प्रिंट करवाते हैं और ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एक तो इसको सिंगल आइटम पास कर दिया और सिंगल आइटम पास करने के बाद देखता हूं क्या ये टपल बनाता है या नहीं बनाता। देखो इसने टपल फिर भी बनाया, इसने फिर भी टपल हमें बनाकर दे दिया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं बी। अब अगर हम चलाएं तो अब इसने एरर दे दिया, अब इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि अब हमने सिंटेक्स इसका गलत लिख दिया। तो सिंगल आइटम के अंदर हम सिंगल ब्रैकेट में भी काम कर सकते हैं। अब देखो एरर चला जाएगा, अब एरर चला जाएगा। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हमने करके देख ली कि अगर हम सिंगल ब्रैकेट में सिंगल आइटम लिखते हैं टपल के कंस्ट्रक्टर के अंदर तब भी वो टपल बना रहे हैं, लेकिन अगर उसको स्क्वायर ब्रैकेट दो सॉरी डबल राउंड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं वन एलिमेंट को तो वो सॉरी हमने क्या किया था, अभी हमने डबल आइटम को अगर हम इसमें रखे हैं ये एरर दे देगा। अगर डबल आइटम के लिए हमें दो राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, सिंगल आइटम के लिए ये वर्क कर रहा है, ये देखें सिंगल आइटम के लिए ये वर्क कर रहा है। सिंगल आइटम मैंने रख दिया, इसको मैंने चलाया, इसके लिए ये वर्क बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई कि कंस्ट्रक्टर के जरिए भी हमने इसे करके देख लिया। ओके, अब आ जाते हैं एक और मिसाल के ऊपर। हम एक काम करते हैं, हम एक टपल बनाते हैं, टपल के अंदर हम रखते हैं ए बी सी। ओके, और यहां पे हम क्या करते हैं, ए डॉट अपेंड, तो अपेंड की वो मुझे मेथड ही नहीं दे रहा, अपेंड का मुझे मेथड ही नहीं दे रहा। अगर यहां पे देखें कोई अपेंड या फिर इंसर्ट या कुछ मेथड ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये चेंज नहीं है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से ये हमें मेथड ही नहीं दे रहा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है अनचेंजेबल। मैं लिखूं अपेंड बी, ठीक है यही था मेथड। पहले तो देखो वो रीड ही नहीं कर रहा, वीएस कोड का जो इंटेलिजेंस है वो रीड ही नहीं कर रहा। अगर मैं इसको चला भी दूं तो ये एरर दे देगा और कहेगा कि इसके अंदर अपेंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, मतलब इसके हमें ये पता चल रहा है कि अपेंड जो है अनचेंजेबल है, ये फिक्स है, इसको लिस्ट की तरह हम अपेंड नहीं कर सकते। इसके अगेंस्ट अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूं बी और यहाँ पे भी मैं लिखता हूं ए और बी, यहाँ पे अगर हम बी का मेथड चेक करें बी डॉट, देखो अपेंड आ रहा है। ठीक है, सजेशन में ही अपेंड आ रहा है, इट्स इंटेलिजेंस कह रही है कि इसके अंदर अपेंड का मेथड है, टपल के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है लिस्ट जो है ये चेंजेबल है, टपल जो है अनचेंजेबल है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।